पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे आप। तो मेरा नाम वजाहत है और मेरा नाम नजीम। आज का वीडियो बहुत ज्यादा ही कमाल का होने वाला है, बहुत ही बड़ा एक किस्म का अपडेट आ रहा है इंडिया से। अब रोरो बोट एंड क्रूज इन गंगा नदी इनॉग्रेशन बाय पीएम मोदी। अच्छा, यानी मतलब गंगा नदी में कोई रोरो बोट्स आई है और क्रूज का इनॉग्रेशन किया पीएम मोदी ने। अच्छा अच्छा, बिल्कुल दी होगी ना सहूलत के लिए। ऐसी बात है, अब ये वीडियो देखेंगे तभी पता लगेगा कि किस चीज के लिए वहाँ पे ये काम हुआ है। लेकिन मोदी जी ने किया, हाँ बिल्कुल, हुआ भी गंगा नदी के अंदर है। एक पवित्र स्थान है हिंदुइज्म के रिलीजन में, जहां तक मेरी स्टडी है। तो अभी वीडियो देखेंगे तभी आइडिया होगा। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये तो क्रूज है बड़े बड़े। नमस्कार मित्रों, पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एंड सारजे पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वाराणसी में सैकड़ों विकास परियोजनाओं पर कार्य हो रहे हैं तथा मोदी जी समय समय पर इन परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन भी करते रहते हैं, जैसा कि अभी 15 जुलाई को हो रहा है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको जुलाई 2021 में स्वयं मोदी जी के हाथों वाराणसी में उद्घाटन होने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक ऐसे प्रोजेक्ट की जानकारी व एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देने जा रहे हैं, जिससे कि वाराणसी की जनता को एक नवीन मार्ग मिलने वाला है। अच्छा। अर्थात काशी वासियों को आज से मिलने जा रहा है गंगा में यातायात के लिए ये बड़ी व एक अत्याधुनिक क्रूज, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी के हाथों आज हो रहा है। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको आज उद्घाटन होने वाले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, बीएचयू में बने 100 बेड की एमसीएच विंग हॉस्पिटल तथा गोदौलिया मल्टी लेवल पार्किंग की विशेष जानकारी प्रदान किए थे, एवं आज हम इसी क्रम में गंगा में नवीन यातायात मार्ग का काशी वासियों को मिलने वाली सौगात की जानकारी दे रहे हैं। अच्छा। जो कि 1500 करोड़ रुपए से उद्घाटन व शिलान्यास की विभिन्न परियोजनाओं में से एक है। बता दें कि काशी में गंगा नदी में अब तक एक अलकनंदा क्रूज ही हुआ करती थी। अच्छा। जिसे कि पीएम मोदी जी ने ही आरम्भ किया था, परन्तु अब आज से वाराणसी आने वाले पर्यटकों व यहाँ के निवासियों के लिए एक नहीं अपितु 4 क्रूज व रोर उपलब्ध होने जा रही है। सुबह बनारस की शान व विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की आध्यात्मिकता को आत्मसात करने के लिए समस्त संसार के पर्यटक काशी आते हैं। बिल्कुल, अध्यात्म धर्म और इतिहास को समेटे हुए काशी के 84 घाटों का अलौकिक दृश्य भी लोगों को अत्यंत रोमांचित करता है। अब आप ये दृश्य क्रूज पर बैठकर भी देख सकते हैं। अच्छा। क्रूज में बैठे बैठे पर्यटकों को काशी के सभी घाटों के अध्यात्म व धार्मिक इतिहास के बारे में ऑडियो वीडियो के माध्यम से जानकारी भी मिलेगी। इसके अतिरिक्त पर्यटकों के लिए दो इनका उपयोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट व डे टूरिज्म के लिए भी होगा। अब पर्यटकों को गंगा की सैर कराने के लिए एक अत्याधुनिक क्रूज व लगभग 200 लोगों की क्षमता वाली दो रोरो बोट अर्थात रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर शिप। अच्छा। भी उपलब्ध हैं। ये दोनों रोरो बोट आज से गंगा नदी पर चलने वाली हैं, क्योंकि इनका उद्घाटन आज मोदी जी कर रहे हैं। बता दें कि इन रोरो बोट का प्रयोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया जाएगा, जिससे कि सड़क पर ट्रैफिक का लोड भी कम होगा। बिल्कुल सही कहा। सुबह व शाम को गंगा घाटों पर होने वाली आरती के समय तो चलेंगी ही, इसी के साथ ये दिन में भी गंगा में चलेंगी, जिससे कि लोग अपने प्रतिदिन के काम काज के लिए भी यात्रा कर सकेंगे। लोगों के लिए भी होगा, उसके लिए 22 करोड़ रुपए की लागत से जो काम शाम के लिए जाएगी मॉडल पर चल रही हैं। इससे होने वाली आय का कुछ अंश स्थानीय निषाद समुदाय के लोगों के वेलफेयर में भी व्यय होगा। अच्छा। इसमें पर्यटकों के बैठने के साथ वाहन भी ले जाने की व्यवस्था है। यह एक विशेष प्रकार का क्रूज है जो आसपास के जनपदों में व्यापारिक गतिविधियों व पर्यटन को भी लाभ देगा। अच्छा। इन क्रूज के संचालन की अधिक जानकारी के लिए बता दें
कि इनका संचालन राजघाट से संत रविदास घाट तक होगा, परंतु कोई चाहे तो इसे विशेष टूर पैकेज के अंतर्गत भी बुक कर इसे शूल्ट, अंकेश्वर, कैथी, चुनार आदि स्थानों तक ले जा सकता है। अच्छा। बता दें कि दो मंजिल वाले इस क्रूज में नीचे का भाग वातानुकूलित और पहली मंजिल पर सामान्य है। 100 लोगों की क्षमता वाला क्रूज 12 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से गंगा नदी पर चल सकता है। अच्छा। 55 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज रफ्तार चलने वाली विपरीत हवा में भी क्रूज सुरक्षित चल सकता है। तेज बारिश भी इसका रास्ता नहीं रोक पाएगी। 35 टन के वजन वाली यह क्रूज 1 मीटर पानी में भी सुगमता से चल सकती है। क्रूज में काशी के घाटों का आनंद लेते समय आप काफी सुरक्षित रहेंगे। इसमें 4 ऐसी लाइफ राफ्ट है जो किसी भी आपातकाल में स्वतः नदी में जाकर खुल जाएंगे, और एक फ्लोटिंग टेंट का आकार का बोट बन जाएगा, मतलब सेफ्टी भी रखी है बीच में। सकते हैं और ये 1 सप्ताह तक खाने पीने के सामान के साथ पानी में तैर सकता है। इसी के साथ प्रत्येक यात्री के लिए लाइफ जैकेट और लाइफ बॉय ट्यूब की भी व्यवस्था है। रोरो बोट में भी यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी उपलब्ध है। यार। क्रूज पर उपलब्ध सेफ्टी पहले बनारसी व्यंजनों का स्वाद भी चख सकते हैं। अच्छा। आपको हम इस रोरो बोट के ऊपरी तल के दृश्य भी दिखाते हैं, जहां पर क्रूज संचालक भी अपनी केबिन में बैठते हैं। इसके पिछले भाग के दृश्य दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से किस प्रकार से गंगा नदी दिख रही है। हाँ। तथा यहाँ से ऊपर ले चलें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी छोटे छोटे रूम बने हैं तथा किचन और डाइनिंग रूम बने हैं। हाँ ना, ये देखिए किचन। आइए अब नीचे चलते हैं और आपको इस नवीन रोरो बोट के भीतरी दृश्य दिखाते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस क्रूज पर बैठने की कुर्सियां लगी हैं तथा ऊपर में पंखे भी हैं तथा यहाँ पर अग्निशमन यंत्र भी उपलब्ध है। अच्छा। यहाँ से पीछे के भाग में वॉशरूम व बायो टॉयलेट भी भारतीय व पश्चिमी शैली में उपलब्ध है। भारतीय भी है, दूसरा भी इंग्लिश। साज सज्जा में काशी की धार्मिक व आध्यात्मिक दृश्य के साथ ही यहाँ के धरोहरों का इतिहास भी दर्शाया गया है। साथ ही यात्रियों की जानकारी देने के लिए बड़ी स्क्रीन लगी है एवं इस पर ऑडियो वीडियो का संचालन होता है। अच्छा। जिसमें कि 80 घाट से घाट तक के 84 घाटों व्यू के साथ घाटों के इतिहास, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व की जानकारी दिखाई जाती है। रोरो बोट के साथ क्रूज की जानकारी के लिए बता दें कि यह अत्याधुनिक क्रूज गोवा शिपिंग यार्ड में बनने के पश्चात 23 नवंबर को वहां से चलकर लगभग 70 बनारस पहुंचा था 30 जनवरी को। कैसी कैसी चीजें सरकारी क्रूज है, गंगा पर चल रहा है। गोवा के समुद्र से काशी की गंगा में पहुंचे इस क्रूज की विशेषता यह है कि यह बहुत ही कम जल स्तर पर भी गंगा में फर्राटे भर सकता है। अच्छा, इससे कम पानी में भी चल सकता है। एक प्राइवेट कंपनी की अलकनंदा क्रूज ही गंगा में चलती थी। अच्छा। परंतु अब एक सरकारी क्रूज और 2 रोरो बोट भी गंगा के लहरों में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को विचरण कराएंगे। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि पर्यटन विभाग के प्रसाद योजना के अंतर्गत यह सुविधा काशी वासियों को मिली। जो लोग कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स ऐसे वैसे होते हैं, झूठ मूठ बताते हैं, देखिए लाइव बता रहे हैं। सही बात। बैठने की क्षमता है सामने तथा इसकी लागत लगभग 10,71,00,000 रुपए है। बस इसके लिए शहर के प्रमुख घाटों पर जेटी बनाई गई है, जो कि राजघाट, दशाश्वमेध, 80 और संत रविदास घाट पर बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पाकिस्तानी आप तौर पर देश विदेश से जुड़ना चाहते हैं। शहर में कई परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। पर्यटकों की सुविधा के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी द्वारा कई प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है। यार, पीएम मोदी बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। उद्घाटन हो रहा है। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक। इधर ये वीडियो खत्म, इनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यार मैं कहता हूँ गंगा नदी पे बहुत ही बड़ा काम किया। वैसे तो हम लोग काफी मतलब के देखते हैं शहरों में काम चल रहे हैं, इधर उधर कंस्ट्रक्शन हो रही है, इधर उधर मेगा प्रोजेक्ट बड़े बड़े सिटीज में चल रहे हैं, लेकिन यार एक ये रिलीजियस स्थान पर इस तरह का काम करना ये एक बहुत ही बड़ा काम है। हाँ, जाहिर बात, मैंने काफी मूवीज में देखा गंगा नदी इसलिए भी फेमस है, लोग अपने आप को कहते हैं कि हम गुनाहों से पाक होने के लिए गंगा नदी जाते हैं, वहां पे आई थिंक वो नहाते हैं, कुछ अपना करते हैं जिसकी वजह से वो मतलब के वो इसलिए जाते हैं। और कुछ होते हैं जो कहते हैं कि मतलब जो जब फोत हो जाते हैं, जब उनकी अस्थियां होती हैं, वो भी गंगा नदी में आई थिंक बहाई जाती है। हाँ, मैंने ऐसा मूवीज में देखा लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोग ये कंफर्म कर मुझे बताइएगा जो पापा वहाँ पे और भी लोग कितने आते हैं। बिल्कुल,
उनके लिए अब ये बहुत ही बड़ी सुविधा है। चार हो गई है ना, बोट चार हो गई है। पहले एक ही बोट और अब चार हो गई है, वो भी प्राइवेट थी। नहीं नहीं, वो सरकारी थी आई थी। नहीं नहीं सर, प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट थी। अब चार सरकारी हो गई। मोदी जी ने कितना बड़ा कदम उठाया। नहीं बात, अब कितना, कितने सौ करोड़ का था ये? 1500 करोड़ का। हाँ, 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया ना, कितना पैसा वही ना। और ये मजे की बात, सारे क्रूज बोट्स वगैरह ये गोवा के अंदर तैयार हुए, और वो भी मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया, और काफी मुझे भी देखते नहीं लगा था कि ये इंडिया के अंदर है। कितनी सहूलतें दी हुई है, 200 आदमी आसानी से बैठ सकता है अंदर। सोलतें कितनी दी हुई, मतलब 200 आदमी बैठ सकते। और जैसा कि हम लोग पाकिस्तानी और इंडिया ने बीच में 300 भी चिपका, 300 भी बैठ सकते हैं, मतलब 250-300 इतने बैठ, 250 तो बैठ ही सकते हैं अंदर। अंदर सिटी कितनी खूबसूरत लगाई हुई है, हर चीज अंदर, किचन है, वॉशरूम है, ठीक है, क्रू के बैठने के लिए कैबिन बने हुए हैं, उनके सोने के लिए कैबिन बने हुए हैं। अगर कोई सैर तफरी के लिए आता है उसे पूरी बुक भी करवा सकता है, पूरी बुक भी वो करा सकता है, और अपनी गाड़ी वगैरह भी लेके आ सकता है। बिल्कुल, देखे ना, बहुत सारे वनारसी लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हो गया कि मतलब वहाँ से इधर उधर काम पे आने जाने के लिए आसानी है। जो इधर से उधर जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, उनके लिए बड़ी आसानी है। बहुत बहुत, और यार यकीन माने ये बहुत सही काम किया। गंगा नदी में जाहिर बात है लोगों का आना जाना बहुत होता है, उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम होती होंगी, लेकिन ये है कि ये बहुत सही हो गया कि उनको और आसानी होगी। गाड़ियों के थ्रू बाय रोड तो बंदा आ ही सकता होगा आई थिंक सो, लेकिन ये है कि गंगा नदी के अंदर विजिट भी अब इजी हो गया है, बंदा घूम भी सकता है अंदर। और मैं कहता हूँ कि अब यार मैं क्या भूलूं, मैं खुद हैप्पी हूँ कि इस तरह के काम होने चाहिए और रिलीजियस प्लेसेस पे भी होना चाहिए। बहुत सही चीज हुई है, ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद किया है, जाहिर अंदाजा लगा ले। इस पे भी उनकी नजर थी, ये काम ही उन्हें तकमील तक नहीं तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, इतना नजर में, इतनी नजर में कोई इन छोटी मोटी चीजों को नहीं रखता, लेकिन हर एक चीज को उन्होंने नजर में रखा और उसको और वो पूरा कर रहे हैं। तो यार आप कमेंट सेक्शन बताएं इस वीडियो के बारे में आप लोगों के थॉट्स हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।